अंदर क्यों देखो ओके चलो आ जाओ। ये रिसु है, रिसु आ गई है। सो ये दिन मेरे लिए स्पेशल डे है, बहुत ही एक मेमोरेबल डे है आज के लिए। और जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये आंटी जी है और ये हमारे सासू माँ हैं। सुनीता उस रूम में उनका कुछ सलाइन लग रहा है, चल रही है। तो यहाँ पर जैसे मेरी बेटी को सिस्टर ने लिया है उसकी कुछ मिल्क वगैरह फीडिंग करने, सो आंटी जी के साथ मैं कुछ बात कर रहा था। और ये जो बातें हैं, ये आज का ये मेरी बेटी की पहला दिन है और मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूँ आप ज़रूर गौर फरमाइएगा। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो आज का दिन मेरा क्या विचार है उसको भी समझ आएगी। आंटी आप क्या पूछ रहे थे बोलिए। पापा को टाइम बताएगा तो पापा टाइम से कुछ देखेगा। अच्छा आप कह रहे हैं कुंडली के बारे में आप बता रहे हैं। आंटी जी मैं आपको बता दूं कि मुझे ये जो चीज़ें हैं ना, कुंडली, जातक, हॉरोस्कोप, ये जो सारे चीज़ें हैं, मैं इसका एक बैड एक्सपीरियंस मुझे मिला है, मतलब एक दुखद अनुभूति जिसको बोलते हैं, आप समझ पा रहे हैं। एक दुखद अनुभूति का मतलब है मैं ये सब चक्कर में काफ़ी दिन पड़ा रहा ये कुंडली जातक ज्योतिषी में मैं पड़ा रहा। ये जैसे कि मुझे जितना याद आ रहा है 15-16 साल से, जब मुझे 15-16 साल हुआ करता था तो घर में सब मानते हैं, घर में क्या, गांव में मानते हैं, हमारे जहां पर हम रहते हैं पूरा शहर मानता है, पूरा जिला मानता है, पूरा राज्य मानता है, देश में भी लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, हर कोई लोग नहीं मानता है, मैं भी मानता था। जब मैं जाना इसके बारे में तो मुझे ऐसा लगा कि ये भंड है, बिल्कुल भंड है। इतने दूर से कोई प्लेनेट हमारे जैसे छोटे छोटे इंसान के प्रति उनका प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन हम लोग मानते हैं, लेकिन अभी जब जान जाएंगे जानने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पर एक बात है आंटी जी, क्या है कि मेरी बेटी में कोई दोष नहीं है। कुंडली अभी बनाएंगे कौन, कोई पंडित बनाएगा? मैं पंडितों के प्रति कोई मेरा असम्मान नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं सच्चाई, कोई पंडित बनाएगा ना, और मैं उसको पैसा भी दूंगा, दक्षिणा ले पैसा और कुंडली बना, और पैसा लेके दक्षिणा लेके मेरी बेटी के बारे में ही दोष निकालेगा, राहु दोष है, मंगल दोष है, कुछ भी दोष, ये तुम्हारा कुंडली में ऐसा है। ऐसा क्यों आंटी जी, क्यों? मतलब मैं ऐसा गवार इंसान हूँ, अनपढ़ गवार, पैसा भी दूंगा मैं, पंडित को दिखाऊंगा अपनी बेटी की कुंडली में, और कुंडली में जो दोष पंडित निकालेगा और उसको समाधान करेगा भी पंडित वही, मतलब मेरी बेटी, मैं दक्षिणा दूंगा और दोष निकालेगा पंडित, फिर समाधान करने जाऊंगा और कोई पंडित के पास, फिर लगेगा दक्षिणा, इधर जाओ, ये करो, वो समाधान करो, ये सारे के सारे उलझन है आंटी जी। क्या है उलझन? उलझन समझते हैं, उलझन है ना, आप जानबूझ के आपने कीचड़ में
पैर मारा जो सारे के जो कीचड़ है आपके मुंह पे आ गया गिरेगा, है कि नहीं मुझे बताइए, है कि नहीं? तो मेरी बेटी में कोई दोष नहीं है, अपने बलबूते पे, अपने क्या बोलते हैं उसके टैलेंट पे जितना उसको ज्ञान मिलेगा, जो शिक्षा हम उसको देने वाले हैं उसके बलबूते पे वो आगे बढ़ेगी, अपना जीवन बिताएगी, अपना एक जगह पे पहुंचेगी, अपने टैलेंट पे जितना उसको नॉलेज मिलेगी, जितना उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको जितना उसको जानकारी मिलेगी, जानेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें मान लिया ये मुझे सब कुछ दे देगा, ये सब कुछ मुझे अपनी कुंडली के हिसाब से समाधान कर देगा, मेरा राहु का दोष होगा, मंगल का दोष होगा, कुछ भी दो केतु का दोष होगा, कोई ग्रह उधर कोई ग्रह इधर, उसका डिग्री क्या है, उसका एंगल क्या है, ये सारे के सारे फजूल की बातें हैं जो मैंने महसूस किया है, बिकॉज मैं ये बैड एक्सपीरियंस से मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ आंटी जी। तो जो मेरे साथ हुआ है अभी फिर मैं थोपूंगा, बराबर। आप मुझे बात बताइए, दुनिया का कोई भी पिता माता उसकी बच्ची पैदा होती है, मासूम सी बच्ची, अभी ठीक से उसने दुनिया नहीं देखी है, उसका कुंडली बनाने के लिए लोग तैयार करते हैं। जो पिता माता जो एक माँ उसको 9 महीना पेट में रख के उसको पैदा करती है, जो बाप कितना सपना लेके उसकी बेटा या बेटी जो भी उसको सपना देखता है कि चलो मेरे एक परिवार में एक सदस्य आ रही है, मेरा बच्चा आ रही है, बच्ची आ रही है, अगर उनको बोला जाएगा कि तुम्हारा बेटी में ये दोष है तो कैसा लगेगा उनको बताइए। अगर कोई पिता माता को बोल दिया जाएगा कि तुम्हारा बेटी या बेटा का ये दोष है, राहु दोष है, मंगल दोष है, ये फलाना है, ये है तुम्हारा बच्ची के या बच्चे जो भी बेटी की कुंडली में, ये है, जीवन भर वो पिता माता उलझन में रहेंगे, इधर अननेसेसरी टेंशन में रहेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं पता है दीजी, इसको बोलते हैं विकार। उलझन से विकार पैदा होता है और जिंदगी भर व्याकुलता हो गया टेंशन में, ये मेरी बेटी का ये हुआ, मेरा बेटा का हुआ, हुआ ब्राह्मण में घुस गया, मंगल बृहस्पति ये सब चक्कर में। जी आंटी जी, हम लोग कहाँ पर थे, अभी हम बात नहीं करेंगे, बस लास्ट हम बात करेंगे, ख़त्म करेंगे कि क्योंकि नहीं तो मेरी बेटी जाग जाएगी अभी, है ना। इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।